नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक युवा योगी साइकिल यात्री कर रहा भारत दर्शन, लोगों को कर रहा है जागरूक। मेहुल लेखानी साइकिल के सफर से भारत दर्शन पर निकले होशंगाबाद के बनखेड़ी तहसील में विद्या भारती के एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करने वाले 30 वर्षीय मेहुल लेखानी ने 1500 किलोमीटर की यात्रा कर 16 जुलाई को उमरिया जिले के पाली पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मेहुल लेखानी ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। मेहुल होशंगाबाद के बनखेड़ी तहसील के रहने वाले पिछले 24 दिनों से अपनी साइकिल से अपना देश देख रहे हैं। अब तक वे 1500 किलोमीटर का सफर कर पाली पहुंचे। मेहुल इस तरह यात्रा करने वाले अपने देश को करीब से देखने और महसूस करने वाले एक अनूठे और बिरले साइकिल यात्री हैं। इस उम्र में हमारे देश के युवा जब व्यावसायिक जीवन में सफल होने की होड़ में रमे रहते हैं, तब वही मेहुल ने अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़कर भारत भ्रमण करना चुना। अपनी युवा ऊर्जा पर यकीन करते हुए आत्मविश्वास से मेहुल अपने देश मेहुल जब कहीं यात्री विश्राम करते हैं तो युवाओं में योग की अलख जगाने के लिए युवाओं को योग की क्रिया भी कराते हुए मेहुल में देश खुशबू, देश के विभिन्न राज्यों में फैली पारंपरिक विभिन्नता को समग्रता में एक वैभवपूर्ण और प्राचीन संस्कृति में देख समझ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर का भारत दर्शन कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। देखिए, वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है युवा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनमें कोई भी चीज़ की दिनचर्या निश्चित नहीं है। और जब हम देखते हैं कि युवा वर्ग भी अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं दिन प्रतिदिन, 20-25-30-40 साल के युवा, तो ये समझ में आता है कि युवा लोग को समस्याएँ क्या है और युवा लोग को इतनी समस्याएँ क्यों आती है। तो जब अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि उनकी दिनचर्या नियमित नहीं है, वो लोग योग वगैरह नहीं करते, जो हमारी संस्कृति जो परंपरा का हिस्सा है, किसी न किसी तरीके से वो वैज्ञानिक रीति रिवाज से संबद्ध है, पर हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से ही मैंने ये विचार किया कि हमें पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए योग के प्रति। तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे देश की यात्रा पर मैं निकला हूँ, भारत यात्रा पर, योग यात्रा पर मैं निकला हूँ। होशंगाबाद जो जिला है, वहाँ की जिला हो बनखेड़ी जो शहर है, वहीं से मैंने यात्रा का प्रारंभ किया था 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से, और पूरे भारत की मैं योग यात्रा करने वाला हूँ। रास्ते भर में जो जो लोग मुझे मिलते हैं मैं उनको अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति योग करने के लिए प्रेरणा देता हूँ कि भाई आप योग करिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका जीवन अच्छे से चल पाए। इस प्रकार की प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई, एक ऐसा संदेश युवाओं को लेकर इसके क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये सोच कैसे आई आपके अंदर? बस यही है, जो वर्तमान में जो घटनाक्रम है, जो परिस्थिति है, उससे थोड़ा मन आघात होता है। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो जानने की, पहचानने की, ये सब चीज़ें जिज्ञासा मन में रहती है। तो यही है कि इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही कि युवा वर्ग भी बहुत ज़्यादा ही बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। तो जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि भी युवा वर्ग की जो दिनचर्या वो नियमित नहीं है, वो योग नहीं करता अपने जीवन में, और बाकी जो हमारी परंपराएं उसका वो हिस्सा नहीं है। तो इस कारण से एक मन में इच्छा जागी कि भाई क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए मेरे माध्यम से जितना अल्प हो सके कि मैं युवा वर्ग को एक संदेश दे सकूं कि भाई हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सजग नहीं रहेंगे तो आगे जो भविष्य में हमारे जो संकल्प है, हमने जो सपने देखे हैं, हमको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखा जाए तो आप एक युवा हैं और अभी आप निकले हैं जी, एक युवा जैसे होते हैं युवा पीढ़ी, ऐसा क्या कुछ करें उनके लिए जीवन में ऐसे आपके जैसे प्रेरणा आए? मैं तो बस साधारण सा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, बस मेरे यही उद्देश्य है कि मैं सबको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो खुशहाल जीवन व्यतीत कर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।